हेलो। अरे भाई आ ही रहा हूँ यार। ये साला मेरा कुत्ता धीरे धीरे काम कर रहा है, काम फाइनल करा के ही आऊंगा। ऐसा आप गाली नहीं देने का, अपने मेहनत का कमाता हूँ, मेहनत खाता हूँ, पकड़ का पैसा नहीं देते तुम। नौकर होके जुबान लड़ाता है, अभी काम से निकाल दूंगा, खाने के बांधे पड़ जाएंगे। तेरी माँ, मेरी माँ पे मत जाओ, आपने तो अच्छा नहीं होगा तेरी। हाँ माँ। बेटा तू जल्दी घर आ जा, पड़ोसी ने झगड़ा लगा के मुझे उल्टा सीधा बोल दिया। माँ तू चिंता मत कर, मैं भी आया। सुनो साहब, जो दूसरों की माँ की इज्जत नहीं करते उनके माँ के साथ ऐसा ही होता है, ठीक हुआ? तेरी तो आके देखता हूँ तुझे। माँ किसने तुझे गलत बोला? काट दूंगा काट। माँ तू मुझे क्यों थप्पड़ मार रही है? अपने माँ पर बात आए तो तकलीफ हुई ना? आज सुबह मैंने खुद देखा तू रामू के माँ को गाली दे रहा था। क्या वो गरीब है तो उसकी माँ माँ नहीं है? माँ अपनी हो या किसी और का, माँ तो माँ होती है, माँ की इज्जत करना सीख। माँ मुझे माफ कर दे, मैं तेरी बात समझ गया, आज के बाद मैं किसी की माँ को गाली नहीं दूंगा, माफ कर दे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एक काम करो, आज मैं बिल्डिंग बनाने का सामान मंगा दे रहा हूँ, कल से बिल्डिंग बनाने काम स्टार्ट करो, ठीक है? ठीक है मालिक। क्यों रे, टांगे तोड़ दूंगा किसी सामान को हाथ लगाया तो। चलो बहन, अब हमारा घर नहीं बन पाएगा। रामू रामू जल्दी आ। क्या हुआ मालिक? रामू इन बच्चों को देख रहे हो? मेरा बिल्डिंग बने ना बने इन बच्चों का घर तुरंत बनाओ, और आज से इन बच्चों का ख्याल तुम ही रखोगे। ठीक है मालिक। धन्यवाद भैया। दोस्तों मैंने सही किया या गलत कमेंट करके जरूर बताना। पापा। अरे बेटा तू स्कूल नहीं गया? क्यों रे, काम के टाइम बच्चे से बात कर रहा है। मालिक छोड़ दे मालिक, तू मार रहा है मेरे पापा को। पूछ अपने बाप से, मैं इसे काम करने के लिए पैसे देता हूँ या बात करने के? और तू शाम तक सारे आलू खेत की खुदाई हो जानी चाहिए, वरना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। चलिए पापा, मैं भी आपके काम में हाथ बटाऊंगा। ठीक है बेटा। पापा काम हो गया, चलो सेठ से हिसाब करा लेते हैं। ठीक है बेटा। मालिक आलू के सारे खेतों की खुदाई हो गई, अब मेरी पगार दे दीजिए। रामू तूने सुबह काम ना करके मेरा दिमाग खराब कर दिया था, अभी तूने टाइम से काम करके मेरा दिल खुश कर दिया। तूने काम किया, मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, अब हिसाब बराबर, ठीक है? नहीं सेठ, अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ। पापा अपना बेल दे दीजिए तो। ए, क्या करने वाला है तू? पापा हमारे पास न रहने को घर है न खाने को खाना, हम दो दिन से भूखे हैं। पापा भूख से पेट दर्द कर रहा है, कुछ खाने को लाइए ना। बेटी तू रो मत, मैं कहीं से कुछ देखता हूँ। किससे मदद मांगू? ये कार वाले भैया से मांग के देखता हूँ। सुनिए भैया, मैं हाथ पैर से अपाहिज हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ पैसे हो तो दे दीजिए। मान ले मैं तुझे आज कुछ खाने को दे दूंगा, कल क्या करेगा? उससे अच्छा है जा और जाके कहीं पे मर जा। तेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे और तेरे बच्चों का अनाथ खाले वाले ले जाएंगे, कम से कम तेरे बच्चों का भला तो हो जाएगा। यहाँ से बहुत जोर से भूख लगी, पापा पता नहीं कहाँ रह गए। वो आदमी सही तो कह रहा था, अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों को दो वक्त की रोटी मिलने लगेगी, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। पापा आप ये क्या करने जा रहे थे? आपने हमारे बारे में एक भी बार नहीं सोचा। पापा आप हमें सिखाते हैं, मुसीबत कैसा भी हो हमें उसका सामना करना चाहिए। पापा आप इतने कमजोर कैसे हो गए? इससे अच्छा तो हमें जहर दे दिए होते। बेटी मुझे माफ कर दे, अब हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे।